हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल दिस इज सरिता पाटिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोसो स्टूडेंट्स ओलिगो मार्केट क्या होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एक ऐसा मार्केट जिसमें फ्यू फॉर्म्स होती है जो होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है यानी कि ओलिगोपुली इज अ मार्केट इन विच देर आर फ्यू सेलर सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऐसा मार्केट जिसमें कुछ सेलर जो हम लोग काउंट कर सकते हैं जो मार्केट में होमोजीनियस यानी कि एकदम सिमिलर सेम प्रोडक्ट्स से, या फिर थोड़े से डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं तो इस मार्केट में दो टाइप्स होते हैं कल्यूजन होता है एक नॉन कल्यूजन होता है तो ये हम लोग इन डिटेल में देखेंगे इसी के साथ ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी क्या होती है फॉर्म का इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है यानी कि प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट कैसे डिटरमाइन होती है ये सब चीज़ें हम लोग इन डिटेल विथ डायग्राम डिस्कस करने वाले तो ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली ओलिगोपोली इज अ मार्केट फॉर्म इन विच देर आर फ्यू सेलर्स मार्केट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सेलर्स कैसे फ्यू है कुछ ही सेलर्स है ऑफ़ होमोजेनियस और डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट्स ये जो कुछ सेलर्स है वो एक तो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते या फिर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते अब देखो अगर वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ऐसे ओलिगोपोली को प्योर ओलिगोपोली ऐसा कहा जाता है क्या कहा जाता है प्योर ओलिगोपोली ऑन दी अदर हैंड अगर वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ऐसे ओलिगोपोली को डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली ऐसे कहा जाता है नेक्स्ट इसके दो टाइप्स फर्स्ट है कल्यूज ओलिगोपली कल्यूज ओलिगोपली या फिर इसे कल्यूजन अंडर ओलिगोपोली ऐसे भी कहा जाता है कल्यूजन मतलब क्या कि कुछ फॉर्म्स है वो एक साथ आते हैं इकट्ठा आते हैं और मिलके जो मार्केट मतलब जो उनको डिसीजन लेते हैं वो मिल लेते हैं देखते हैं फॉर्म्स वर्क टुगेदर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन द मार्केट मार्केट में जो भी अनसर्टेनिटी है वो कम करने के लिए जो भी कॉम्पिटिशन है वो कम करने के लिए फॉर्म्स क्या करते हैं इकट्ठा हो जाती है एक साथ आ जाती है और वो प्राइस एंड आउटपुट का डिसीजन मिल कर लेती है दे डू नॉट कम्पीट बट कोऑपरेट वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करती वो एक दूसरे को कोऑपरेट करती वो एक दूसरे को हेल्प करती है मार्केट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो तो प्राइस आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए एक्ट लाइक मोनोपोली फर्म अगर वो कंपीट नहीं कर रही अगर वो इकट्ठा आ रही इसका मतलब क्या है वो एक मोनोपोली बन जाती है उनकी कभी कभी मोनोपोली हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं जैसे कि कार्टेल है कार्टेल के बारे में आपने सुना होगा जो ओपेक कंट्रीज है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये कंट्रीज ने इकट्ठा आके अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया ओपेक तो ओपेक क्या हो गया एक मोनोपोली हो गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो ऐसे होता है कलिजो ओलिगोपोली में फर्म्स एज ए मोनोपोली फर्म एक्ट कर सकती है क्योंकि वो एक साथ आ जाती है अपोजिट है इसकी कम्प्लीटली नॉन कलीज ओलिगोपोली। अगर कलिज़न में फर्म्स इकट्ठा आती है तो यहाँ पे वो एक साथ नहीं आती है फर्म्स डू नॉट वर्क टुगेदर वो एक दूसरे के साथ काम नहीं करती दे कम्पीट विथ ईच अदर वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्या करती है कंपीट करती है दे डू नॉट कोऑपरेट अगर वो कंपीट करती है तो कोऑपरेशन का कुछ सवाल ही नहीं आता है वो एक दूसरे को हेल्प यहाँ पे नहीं करती है तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करने वाले प्राइस रिजिडिटी वो नॉन कलिजिव ओलिगोपोली को बिलोंग करता है तो नेक्स्ट देखते हैं प्राइस रिजिडिटी मॉडल ऑफ पॉल विजी विच इज ऑल्सो गिवन बाय हॉल एंड हीच इन द सेम ईयर स्टूडेंट्स नॉन कलिजिव ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी के केस में जो डिमांड कर होता है उसे किंग की डिमांड कर ऐसे भी कहा जाता है क्योंकि इस डिमांड कर के बारे में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग डिमांड कर है उसे एग्जिस्टिंग प्राइस पे किंक होता है एक बैंड होता है इस तरह एक बैंड होता है और इसीलिए इसे किंग डिमांड कर या फिर किंग की डिमांड कर ऐसे भी कहा जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये याद रखना है द रिजिड प्राइज इन ओलिगोपोली लीडिंग टू ए किंक डिमांड कर ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट वॉज पुट फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय पॉल स्विजी एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड हॉल एंड हिच ऑक्सफर्ड इकोनॉमिस्ट इन नाइनटीन थर्टी नाइन जो रिजिड प्राइस होती है पोली में जिसकी वजह से डिमांड कर को किंग आता है कर बैंड हो जाता है उसका जो थियोरी है ये थियोरी सेपरेटली 1939 में दो इकोनॉमिस्ट ने प्रेजेंट की थी पहले पॉल स्वीज़ी, जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं दूसरे दो है, Hitch, हैं हॉल एंड हिच जो ऑक्सफर्ड इकोनॉमिस्ट हैं दोनों ने एक ही साल में ये थियरी प्रेजेंट की थी दोनों ने दो अलग अलग रिसर्च पेपर लिखे थे पहला देखते हैं डिमांड अंडर कंडीशंस ऑफ ओलिगोपुली ये रिसर्च पेपर लिखा था पॉल स्वीजी ने 1939 में दूसरा है प्राइस थियरी एंड बिजनेस बिहेवियर ये रिसर्च पेपर लिखा था हॉल एंड हिच ने 1939 में तो इस तरह दो, इन दोनों ने मिलकर किंग की डिमांडकर इंट्रोड्यूस किया था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किंग की डिमांडकर कैसे ड्रॉ करना है और वो किंग क्यों होता है स्टूडेंट्स ओलीगोपुली मार्केट में डिमांड कर्व को एग्जिस्टिंग प्राइस में किंग होता है यानी कि एग्जिस्टिंग प्राइस चेंज नहीं होती ना ही कोई सेलर वो प्राइस बढ़ाता है ना ही कोई सेलर वो प्राइस घटाता है और इसीलिए इसे प्राइस रिजिडिटी ऐसे भी कहा जाता है तो ये प्राइस रिजिडिटी भले क्यों होती है क्यों कोई सेलर एग्जिस्टिंग प्राइस में चेंज नहीं करता है ये पहले हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं सपोज उलिगोपली मार्केट में सिर्फ चार सेलर्स से, हैं ये चार सेलर्स में से जो पहला वाला है ना ये सेलर अगर प्राइस रिड्यूस करता है तो ये बाकी तीन क्या करेंगे अपनी ज़्यादा प्राइस वैसे ही रखेंगे या वो भी अपनी प्राइस कम करेंगे क्या होता है अगर एक सेलर अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करता है तो बाकी जो सेलर्स से हैं वो भी अपने डिमांड कम ना हो इसीलिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या करते हैं कम करते मतलब क्या बाकी तीन ने भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम की इसकी वजह से ये जो पहली फॉर्म है जिसने सबसे पहले प्राइस कम की थी उसके प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी मतलब प्राइस कम करके भी उसे ज़्यादा फायदा नहीं होगा और इसीलिए कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं करता है दूसरी जगह अगर एक सेलर प्राइस इंक्रीज़ करता है तो फिर से चार सेलर देखते हैं इसमें से ये फर्स्ट सेलर है इसने क्या किया प्राइस प्रोडक्ट की इंक्रीज़ की अगर एक ने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ की तो उसका प्रोडक्ट तो महंगा हो जाएगा तो बाकी तीन क्या करेंगे वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस जितनी है उतनी ही रखते हैं क्यों क्योंकि जब पहले वाले ने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई है उसका प्रोडक्ट महंगा हो गया है यानी कि इस पहले सेलर के जो कस्टमर्स हैं वो बाकी तीन सेलर्स के पास जाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम ही रखी है, चेंज नहीं किए मतलब क्या ये जो सेलर है जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाएगी और इसीलिए ये सेलर प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ाएगा ये ही नहीं बल्कि कोई भी सेलर प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ाएगा और इसीलिए एग्जिस्टिंग प्राइस को सभी सेलर्स क्या करते स्टिक रहते वो चेंज नहीं करते प्राइस जिससे डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होता है जिसे हम लोग किंग की डिमांड कर्व ऐसे भी कहते हैं सो स्टूडेंट्स अभी किंग की डिमांड करके डायग्राम हम लोग देखते यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करते क्वांटिटी और वाई एक्सिस वी शो प्राइस मैं हमेशा आपको डायग्राम ड्रॉ करते समय बोलती हूँ कि बॉक्स ड्रॉ नहीं करना है पहले लेकिन किंग डिमांड कर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो पहले बॉक्स ड्रॉ किया तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया ये एग्जिस्टिंग प्राइस पी और ये है क्वांटिटी क्यू इस एग्जिस्टिंग प्राइस को हमें पता है यानी कि इस एग्जिस्टिंग प्राइस में ये जो पॉइंट ऐसे हम लोग नाम देते डी तो डी पॉइंट से ऊपर वाला जो डिमांड कर का पोर्शन है वो मोर इलास्टिक है तो डी से एक ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं देखो लाइन ज्यादा फ्लैट है क्योंकि डिमांड कर का ये पोर्शन कैसे है ज्यादा इलास्टिक है हम लोग यहाँ पे डी की जगह के लिखते हैं और यहाँ पे डी लिखते हैं सो डी के जो पोर्शन है डिमांड कर का ये ज्यादा इलास्टिक है अभी इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमें एकदम स्टीप ड्रॉ करना यानी कि ये कम इलास्टिक है तो इसे भी हम लोग नाम देते डी वन तो डी के डी वन ये क्या है किंग के डिमांड कर लिख लेते यहां पे आपको इस डायग्राम में क्या याद रखना है एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर वाला जो डिमांड कर का पोर्शन है वो कैसा है मोर इलास्टिक है और एग्जिस्टिंग प्राइस के नीचे वाला पोर्शन यानी कि के पॉइंट से नीचे वाला पोर्शन कैसा है लेस इलास्टिक अब देखते हैं अगर कोई सिंगल फॉर्म मार्केट में प्राइस कम करती है तो इम्पैक्ट क्या होगा यहाँ पे लिख भी लेते हैं देखो एक सिंगल फॉर्म अगर प्राइस कम करती है तो क्या होता है अदर फॉर्म भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करती है वो पहली वाली फॉर्म को प्राइस रिडक्शन में फॉलो करती है और इसीलिए जिस फॉर्म ने इनिशियली प्राइस कम की है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती डिमांड बढ़ती है लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है फॉर एग्जाम्पल सिंगल फॉर्म ने प्राइस पी से पी वन तक रिड्यूस की तो पी वन से क्लाइंट ड्रॉ करते डिमांड कर तक यहाँ पे डिमांड कर पे ए पॉइंट में आप लोग देख सकते हो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ओ क्यू से ओ क्यू वन तक क्या हुई है इनक्रीज़ हुई है लेकिन उसने प्राइस बहुत ज़्यादा कम की उसने प्राइस पी से पी वन तक इतनी ज़्यादा कम की उसके बाद डिमांड सिर्फ इतनी सी बढ़ी है इसका मतलब क्या है कि प्राइस कम करके भी उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है ऑन दी अदर हैंड ये जो सिंगल फर्म है वो अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करती है तो क्या होगा इस वक्त बाकी फर्म्स होशियार है क्योंकि एक फर्म अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है तो बाकी फर्म्स अपने प्राइस चेंज नहीं करती है क्यों चेंज नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि एक फर्म ने अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज की है तो कंपैरेटिवली अदर फर्म्स के प्रोडक्ट के प्राइस क्या है कम है तो उनको ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे बिना कुछ मेहनत किए और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं करते तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जो फर्म ने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज किए हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी देखते हैं डायग्राम में अगर वो प्राइस पी से पी टू तक इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे बी पॉइंट में आप लोग देख सकते हो डिमांड भी डिक्रीज हुई है प्राइस यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी इंक्रीज हुई है पी से पी टू तक इतनी सी प्राइस इंक्रीज हुई है लेकिन डिमांड क्यू पॉइंट से क्यू टू पॉइंट तक बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है इसका मतलब क्या है कि फर्म को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज की डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई और इसीलिए कोई भी फर्म ना तो प्राइस इंक्रीज़ करती है ना ही प्राइस डिक्रीज़ करती है वो एग्जिस्टिंग प्राइस जो है P उसको स्टिक रहती है और इसीलिए यहाँ पे K पॉइंट में एग्जिस्टिंग प्राइस को डिमांड कर को किंक है बैंड है और इस डिमांड कर को इनडिटर्मिनेट डिमांड कर ऐसे भी कहा जाता है आई होप आपको ये डायग्राम यहाँ तक अच्छे से समझी होगी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए फॉर्म अंडर ओलिगोपोली जिसे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली ऐसे भी कहा जाता है और इस सिचुएशन में भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं होती है कैसे ये देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में स्टूडेंट्स अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस सेम है जो हमने बाकी मार्केट्स में भी देखी है पहली कंडीशन है एमसी इज इक्वल्स टू एम आर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू सेकेंड एमसी इज इंक्रीजिंग एमसी मीन्स मार्जिनल कॉस्ट जो कि इंक्रीजिंग है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अब चलते हैं डायग्राम की तरफ इस डायग्राम में वाई एक्सिस पे हमने शो किया है प्राइज रेवेन्यू एंड कॉस्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको एग्जाम में फुल लिखना पड़ेगा प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है क्वांटिटी यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व है डी के डी वन जिसे ए आर कर ऐसे भी कहा जाता है देन आपने अब तक देखा होगा जब भी कोई मार्केट में हम लोग डिमांड कर यानी कि ए आर कर ड्रॉ करते हैं तो उसके नीचे उसका करस्पॉन्डिंग एम आर कर होता है वैसे ही यहाँ पे इस डायग्राम में डी के डी ए आर कर है इसके नीचे इसका करस्पोंडिंग एम आर कर हमने ड्रॉ ड्रॉ किया है बट अगर आप दे, देखोगे तो ये एम आर कर डी पॉइंट से स्टार्ट होता है यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो डॉटेड पोर्शन में क्योंकि वो डिसकंटिन्यू होता है क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉइंट को किंक है और फिर बी पॉइंट के बाद वो फिर से कंटिन्यू होता है तो ये क्या है डिसकंटिन्यू पोर्शन ऑफ दी मार्जिनल रेवेन्यू कर अभी डिसकंटिन्यू क्यू और कैसे होता है ये भी मैं आपको यही पे बता देती हूं स्टूडेंट्स हम लोग पहले ड्रॉ करते एक्स वाई एक्सिस पे प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एंड सी एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करेंगे क्वांटिटी जैसे यहाँ पे डिमांड करके दो पोर्शन है ऊपर वाला हिस्सा मोर इलास्टिक के नीचे वाला हिस्सा लेस इलास्टिक है तो यहाँ पे हम लोग दो डिमांड कर ड्रॉ करेंगे एक लेस इलास्टिक डिमांड कर इसे नाम देते डी वन और ये ड्रॉ करते हैं मोर इलास्टिक डिमांड कर इसे नाम देते डी देन इसके नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एम आर कर ये है एम आर कर जो डी कर का करस्पॉन्डिंग एम आर कर है और इस डी कर के नीचे ड्रॉ करेंगे हम लोग इसका करस्पोंडिंग एम आर कर एम आर वन अब देखो हमारा जो डिमांड कर है वो कैसे ऊपर वाला हिस्सा मोर इलास्टिक नीचे वाला लेस इलास्टिक तो इन दोनों डिमांड कर में से हम लोग जो ऊपर वाला हिस्सा मोर इलास्टिक है ये वाला रखते हैं और ये बाकी वाला डिसकंटिन्यू करते हैं देन डिमांड कर नीचे वाला हिस्सा लेस इलास्टिक है तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा हमें रखना है डी वन तक और ये ऊपर वाला डिसकंटिन्यू करना है तो हमें मिल गया यहाँ पे बैंड या फिर किंग कौन द डिमांड कर डी के डी वन ये हो गया हमारा डिमांड कर इसके नीचे इसका करस्पोंडिंग एम आर कर हमें देखना है कहाँ से आता है कैसे ड्रॉ करना है तो इसीलिए के से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे नाम देते हैं क्वांटिटी क्यू यहाँ पे प्राइस आएगी P अभी देखो K पॉइंट से अगर हम लोग देखते हैं तो इसके नीचे वाला जो एम आरकर है डी के के नीचे वाला एम कर ये वाला है तो ये वाला एम कर यहाँ तक हम लोग रखेंगे और इस पॉइंट से आगे उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे सेम वे अगर ये डिमांड एम कर आपने यहाँ पे डिसकंटिन्यू किया है तो इसके नीचे कंटिन्यू कहाँ पे करना है इस पॉइंट से एम आर हमारा कंटिन्यू होता है और ये बीच वाला पोर्शन ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमें निकाल डालना है डिसकंटिन्यू करना है तो ऐसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्राइस पे के पॉइंट से नीचे आप देखोगे तो एम आर कर डिसकंटिन्यू हो जाता है आई होप आपको ये समझा होगा कि एम आर कर डिस्कंटिन्यू क्यों होता है अब ये डायग्राम इरेज करके हम लोग अपनी फाइनल डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं बच्चों लोग अब हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम पहली कंडीशन एम सी इक्वल टू एम आर है तो यहाँ पे हमें एम सी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर ड्रॉ करना है मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज होती है मिनिमम लेवल पे पहुँचती है और फिर से इंक्रीज हो जाती है तो ये यह है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व सी एम सी कर ने देखो यहाँ पे ई e पॉइंट में एम आर कर को कट किया है तो ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई e पॉइंट पे क्वांटिटी देखो क्या है ओ क्यू ही है ई e पॉइंट से आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे के से प्राइस क्या आ जाती है पी मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी है ओपी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी है OQ. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर ओलिगोपोली मार्केट अब इस सिचुएशन में अगर कुछ रीजन की वजह से फर्म के कॉस्ट इंक्रीज होती है तो एमसी कर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बट एमसी कर सिर्फ ये डिसकंटिन्यू पोर्शन है उसमें ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यू एम सी कर हमारा होगा एम सी वन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ई वन और आप लोग देख सकते हो ई वन पॉइंट में भी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू वही की वही है उसमें कुछ चेंज नहीं आया है और ई वन पॉइंट से ऊपर स्ट्रेट जाते हैं तो के पॉइंट मिलता है और के पॉइंट से प्राइस देखते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी भी कॉन्स्टेंट उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है मतलब कॉस्ट इंक्रीज भी होती है तो भी प्राइस चेंज नहीं होती ऑन अदर हैंड अगर कॉस्ट डिक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट कर नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यू मार्जिनल कॉस्ट कर एम सी टू क्या है हमारा न्यू मार्जिनल कॉस्ट कर यहाँ पे ई टू पॉइंट में न्यू इक्विलिब्रियम है लेकिन आप देख सकते हो कि E2 टू पॉइंट में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू भी कांस्टेंट है और इसी पॉइंट में इक्विलिब्रियम प्राइस भी कांस्टेंट है मतलब अगर ओलिगू मार्केट है तो इक्विलिब्रियम फॉर्म का कैसे भी अच्छी हो कॉस्ट कितनी भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो हमारा कॉस्ट कर डिसकंटिन्यू पोर्शन में ही शिफ्ट होता है और इस वजह से प्राइस रिजिडिटी वैसे के वैसे रह जाती है प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आता है आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट एस इन टू द कमेंट सेक्शन थैंक यू एंड टेक केयर <laughs> तो नेक्स्ट देखते हैं प्राइस डिजिट स्टूडेंट्स ओलीगोपुली मार्केट में डिमांड कर को किंग क्यों होता है या